भाई ये क्या हो गया यार, देखो मेरी कितनी हालत खराब हो गई यार। मतलब मैंने अपन ने कवर ले लिया अपने ओप्पो F19 प्रो का, या हमारे जो मेरी कटिंग बनाई थी। हां अच्छा हां स्प्राइट भी दिया भाई, इधर आओगे ना। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल इन द अनदर वीडियो। आई होप तुम लोग मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे नहीं हो तो जल्दी अच्छे हो जाओ। इसको बोलना जरूरी था, कट वापस से बोल। मस्त होंगे, बड़े होंगे, अच्छे होंगे, अच्छे नहीं हो तो जल्दी जल्दी हो जाओ, बिकॉज तुम लोग अच्छे रहेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। सो बाकी होने वाला है डेली ब्लॉग। मैंने सोचा भाई आज कैमरा क्यों उठाया, मैंने सोचा यार मैं जो भी आज डेली ब्लॉग में जो भी मतलब मैं करने वाला हूँ, मेरे को बहुत सारे काम है, तो मैंने सोचा कि आज सब रिकॉर्ड करता हूँ और एक ब्लॉग बनाता हूँ मस्त सा। सो कंटिन्यू रहो, जो भी करता हूँ दिखाता हूँ जैसा भी रहता है। लेट्स गो। अपना ये नंबर प्लेट लगवाना है अपनी बुम बुम पे, ये अपनी बुम बुम है, इस पर अपनों को नंबर प्लेट लगवाने हैं, क्योंकि नंबर प्लेट आ चुके थे कभी के, बट अभी तक मैंने लगवाए नहीं है। और भाई अब नहीं लगवाए तो हमारे पिताजी हमारे पापा श्री हम पे गुस्सा हो जाएंगे इस चक्कर में। सबसे पहले काम मेरे को एक टीवी लिया, तो टीवी का भाई स्पीकर ख़राब हो गया, तो वो भी मेरे को सही करवाना है, मतलब अभी तो वारंटी में, तो ये टीवी इसको भी सही करवाना है। तो अभी अपन चलते हैं, जस्ट दो मिनट रुको, दूँ मैं निकालता हूँ टीवी में भी। लेट्स गो। फिर मैं इतनी मुश्किल से एक तो ब्लॉग बना रहा हूँ, तुमको लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना प्लीज यार। गई ना अपने कर जाऊंगा टीवी के साथ साथ, इसको रखते अपन इधर, पहले आराम से रखना पड़ेगा बाबा, इसको रख दिया अपन इधर, मेरे को ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको रख दिया, जल्दी से नंबर प्लेट उठ लेते हैं फिर चलते हैं अपन। ये ओन नहीं खुल रहा यार, खुल गया खुल गया खुल गया गाइस, फाइनली लॉक खुल गया। अब मैं तुमको डायरेक्ट टीवी की शॉप पे मिलूंगा, इसको जहाँ मेरे को सुधराना है। बीच में ब्लॉक नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं अकेले ही हूँ, गाड़ी चलाऊंगा तो ब्लॉक करूँगा बनाऊंगा इसलिए। और मोटो ब्लॉगिंग तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि अपने पास हेलमेट है, और तुम सब्सक्राइब करोगे नहीं, तुम सब्सक्राइब कर दोगे तो मैं मोटो ब्लॉगिंग करना भी स्टार्ट कर दूँगा। और पहले जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, चलो चलते हैं। गाइस मैं कब से मतलब इस टीवी के लिए घूम रहा हूँ कि भाई ये कहीं पर हो जाए सुधर जाए, बट कहीं पर सुधर नहीं रहा है। अभी भैया ने कहा है कि वो आ रहे हैं, तो वही आके देखेंगे मतलब क्या है क्या नहीं है। एक भैया को मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं, देन आफ्टर सी देखते हैं कैसा क्या होता है। भाई ये क्या हो गया यार, देखो मेरी कितनी हालत ख़राब हो गई यार। मतलब मैं गया था टीवी सुधराने, जैसे तुम देख रहे हो ब्लॉग को, मैंने बीच में कुछ भी शूट नहीं कर पाया। भाई मैं टीवी रखूँ स्कूटी पे अपने घूम घूम पे कि मतलब स्कूटी चलाऊँ, तो वो वाला सीन था। तो फिर मैं गया तो क्राउन का शोरूम देखा मैंने पूरी दूर, क्राउन का शोरूम मेरे को बिल्कुल मिला नहीं। देन आफ्टर मैंने क्या करा ना, एक गूगल मैप पे सर्च किया, फिर वहाँ की जगह से मेरे को कुछ शोरूम वगैरह बताए, तो मैंने वहाँ की जगह कॉल किया, तो मैंने कॉल किया तो भैया ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा कि ये वहाँ ही दिखाओ जहाँ से तुमने लिया था। अब यहाँ से तो लिया था नहीं, हमने अपने उठाया था अपने टाउन से ही। तो फिर मैंने कहा कुछ हो यहाँ की जगह कोई का, तो उन्होंने एक भैया का नंबर दिया, फिर मैं उनके यहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि इसको यहाँ तो हो ही नहीं सकता ये कैसे ही करके, मतलब सबका एक ही जैसा रिस्पांस था। तो भाई इतना घूम फिर के आने के बाद वापस घर मैं आया हूँ, मेरा मोबाइल का कवर जो इसका हो चुका था ख़राब, अपन मोबाइल का कवर ले लेते हैं उसके बाद देखते हैं जैसा भी रहता है। मैंने अपन ने कवर ले लिया अपने ओप्पो F19 प्रो का, अभी जस्ट आया हूँ कवर लेके आ चुका हूँ मैं अभी, मतलब मैं वहाँ के इतना शूट नहीं कर पाया यार, इतना रस था। बाकी कवर मोबाइल लेके आ गए अपन, डेली ब्लॉग चल रहा है, तो मैंने सोचा कि यार चलता हूँ मैं से जो भी बनता है वो मैं निकाल दूंगा, जो जो क्लिप मेरे से बन रहा है अच्छा अच्छा। बाकी मतलब शोरूम पे गए था बिकॉज अपनी जो बूम बूम नीचे खड़ी है, अपनी जो बूम बूम नीचे खड़ी है उसके लिए अपनी नंबर प्लेट लगवाने के लिए गया था मैं। मैंने इसका नाम रख दिया ब्रूम ब्रूम, जैसे बीड़े का सकाराम था ना हमारा, ब्रूम ब्रूम है भाई। तो बाकी अभी कुछ सिनेमेटिक शॉट ले लेता हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ सिनेमेटिक शॉट ले लेते हैं। भाई मैं ऐसे आया था छत पे घूमने, और भाई क्या वेदर हो रहा है, मतलब मज़े आ गए, तुम चेक करो।
तो कॉलेज की बुक्स वगैरह ले आया हूँ मैं, सब ये है। अब मैं पढ़ना लिखने वाला स्टूडेंट बन चुका हूँ, ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा जोक होगा भाई। अभी तुमको ये वाला आया हूँ मैं, ये तीन तो है सही। बैठे उस दिन आदित्य आया था, आदित्य के साथ भी कुछ लेके आया था, मैं बताता हूँ तुम्हें। खजाना बताता हूँ मेरा, खजाना। बाकी ये भी है भाई, तो ये सब पढ़ने पड़ेंगे भाई एग्जाम के लिए। बाकी क्या है, हम लोग अनदर डे, बाकी तुम देख सकते हो लाला भाई अनुडोन। तो ये मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर है। बाकी आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ भाई ग्रूम होने, मतलब दाढ़ी सेट करवाऊंगा, बियर्ड एंड बाल की हालत तुम देख सकते हो कैसे हो रहा है। तो इनको छोटे नहीं करवाऊंगा, मतलब फुल सेट करवाऊंगा, क्योंकि ये इधर विधर हो रहे हैं अभी। तो इस चक्कर में जाते हैं, सेट करवाते हैं और बताता हूँ मैं आपको कटिंग वाली भैया से मिलवाता हूँ। ये अभी अपने को बहुत अच्छा लुक देने वाले हैं, कुछ हेयर स्टाइल मैंने सिलेक्ट करके आया हूँ। बिकॉज पीछे से मेरे को थोड़ा छोटा करवाना, आगे से थोड़ा लंबे रखने, तो वो भी जैसा भी लुक रहता है मैं एंड में बताऊँगा। तो ठीक है भैया, करते हैं स्टार्ट अपन। चलो ठीक है भैया, लेट्स गो। भैया हमारे जो मेरी कटिंग बनाएंगे। हाँ भैया, स्प्राइट भी दिया भाई, इधर आओगे ना तुम इन भैया के यहाँ तो स्प्राइट भी मिलेगा तुमको। तो भैया ने भैया स्प्राइट वगैरह पी लिया अभी हमने मस्त सा। अभी भैया बियर्ड सेट करेंगे, बाकी मेरे को वैसा बाल सेट करवाना ना वैसा करेंगे। तो देखो पूरा ब्लॉग और एंड तक देखना। चलो बताता हूँ, ये जो मान अनुभवी है इसके बहुत अच्छा, एक जो बुलबुलैया में एंटीना टावर रहता है ना, एंटीना टावर वो दिखाने वाला हूँ मैं तुमको। लेट चेकआउट करो, बात कतई जहर, यही लौंडा है वो, यही कल आप ब्लॉग में देख सकते हो इसको। ये हिंदी मात्र